फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बी हेल्दी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे एक टैबलेट के बारे में जिसको मोंटे कैल्सी के नाम से जानते हैं और जो कि सन फार्मा कंपनी का बहुत फेमस ब्रांड है। तो आज हम जानेंगे मोंटे कैल्सी के यूजेज, इसकी साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोज क्या लेनी होती है और क्या दवा प्रेगनेंसी में सेफ है या अनसेफ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। वीडियो को आप पूरा देखें, बीच से स्किप ना करें जिससे मोंटे कैल्सी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं मोंटे कैल्सी के बारे में। तो मोंटे कैल्सी के कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें मोंटेलुकास्ट जो कि 10 mg होता है और लीवोसिट्रजीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 5 mg होता है। ये एक शेड्यूल एच की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जिसका मतलब होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा और डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल ली जाने वाली दवा। तो चलिए बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यदि किसी को छींक आने की समस्या है तो हम मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी को एलर्जी है और उसके शरीर में खुजली चलती है तो ही मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ यदि किसी की आँखों में पानी आने की समस्या है, किसी को जुकाम की समस्या है तो भी मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्थमा की कंडीशन में या सांस लेने में दिक्कत आने की कंडीशन में भी हम मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमारे श्वास नली में सूजन आ गई है तो सूजन को कम करने के लिए भी मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में क्या होता है, हमको हमारे सीने में जकड़न सी महसूस होती है और सांस लेने में समस्या आती है तो भी हम मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो एलर्जी की कंडीशन में, नाक से पानी आने की कंडीशन में, सांस लेने में दिक्कत या छींक आने की कंडीशन में मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है। तो यदि हम डोज की बात करें तो 12 साल से छोटे बच्चों में मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और 12 साल से अधिक उम्र के एडल्ट में एक टैबलेट का इस्तेमाल दिन में एक बार किया जाता है, वो भी रात को सोने से पहले और खाना खाने के बाद एक टैबलेट एक दिन में लेनी होती है। और आप डॉक्टर की सलाह पर ही मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल करें और डॉक्टर की सलाह पर इसका डोज का इस्तेमाल करें। यदि हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की तो यदि हम डॉक्टर की सलाह पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। यदि हम अपनी मर्ज़ी से इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे ड्राई माउथ होने की समस्या, हमारा मुँह सूख जाता है, हमको बार बार प्यास लगती है या हमारे सिर में तेज दर्द होता है और कभी कभी ज़्यादा मोंटे कैल्सी लेने की वजह से हमको दस्त की समस्या भी हो जाती है और वॉमिटिंग की समस्या भी हो जाती है। इसका जो एक बहुत ज़्यादा फेमस साइड इफ़ेक्ट है वो है स्लेपीनेस की प्रॉब्लम, यानी ज़्यादा नींद आने की समस्या। ज़्यादा मोंटे कैल्सी लेने पर आलस्य आता है और नींद आने की समस्याएँ हो जाती है। यदि हम बात करें कि किसको मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यदि कोई प्रेग्नेंट वूमन है तो मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए। यदि किसी को किडनी प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है तो भी मोंटे कैल्सी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मोंटे कैल्सी टैबलेट लेने के बाद हमको अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और 12 साल से कम उम्र के बच्चे मोंटे कैल्सी टैबलेट को नहीं ले सकते। इसका रिजल्ट यदि हम बात करें तो 100% मोंटे कैल्सी टैबलेट का रिजल्ट देखने को मिलता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये बात हुई मोंटे कैल्सी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दवाइयों के बारे में कुछ ऐसी और छोटी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।